हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्वेश्चन करेंगे, ए 60 डिग्री प्रिज्म हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट 2, व्हाट इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो हमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो है वो फाइंड करना है। टीसीटी कमीशन में पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, नॉन मेडिकल में पूछा गया क्वेश्चन है ये। हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी ऑप्शन दिए 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, ठीक है। तो जो मिनिमम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहेगा, वह रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एम से डिनोट कर सकते हैं या म्यू से भी कहीं जगह पे डिनोट करा जाता है, ठीक है। तो जो ये होता है वो किसके बराबर होता है, ये होता है साइन ऑफ एंगल ए प्लस डेल्टा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन ए अपॉन 2, ठीक है। और इसमें जो एन है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ए जो होता है वो होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म होता है और दिया गया यहाँ पे 60 डिग्री है। जो डेल्टा है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। और थर्ड चीज है हमारे पास एन, जो कि हमें गिवन है, कितना दिया गया है, रूट 2। तो हम चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो हमने डायरेक्टली इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। एन की वैल्यू हमें दी गई है रूट 2, उधर दिया गया है साइन ए, ए था एंगल ऑफ प्रिज्म जो था 60 डिग्री, प्लस डेल्टा ये हमें पता नहीं है, डिवाइडेड बाई 2, और उसके भी डिवाइड में था साइन ए, एंगल ए था 60 डिग्री अपॉन 2, तो 2 × 2 = 32 = 60, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट अभी इसी को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये बन गया हमारे पास साइन 30 डिग्री, ऊपर था साइन 60 प्लस डेल्टा अपॉन 2 डिवाइड में साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/2, सिंपली, ठीक है। तो इस साइड था हमारा रूट 2। जब साइन 30 की वैल्यू को उधर लेके जाएंगे तो वो जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा अपॉन 2, इधर बच गया हमारे पास साइन 60 प्लस डेल्टा अपॉन 2, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को जो है ये बन चुका है हमारे पास रूट 2 अपॉन 2। अब हम दोनों साइड जो है इस इक्वेशन के रूट 2 बाय 2 से रूट 2 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन करनी। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें साइन की कोई वैल्यू बनानी है, ताकि दोनों तरफ साइन साइन का बन जाए और हमको कट ऑफ कर सके, ठीक है। इधर था हमारे पास साइन 60 प्लस डेल अपॉन 2, अब यहाँ पे जो है ऊपर बन जाएगा रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर, और नीचे आ चुका है 2 रूट 2 इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा अपॉन 2। अब यहाँ स्क्वायर से रूट जो है कैंसिल हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इधर बन चुका हमारे पास इधर आ चुका है 2 अपॉन 2 रूट 2 इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल अपॉन 2, ठीक है। और 2 से 2 कट हो जाएगा, बन जाएगा 1 अपॉन रूट 2 इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल अपॉन 2। 1 अपॉन रूट 2 जो होता है वो साइन 45 डिग्री पे होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल अपॉन 2, ठीक है। साइन से साइन कट हो जाएगा, इधर बच गया 45 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री था ये। तो हम जो डिनोमिनेटर है इसको दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो बन जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 2 प्लस डेल डिवाइडेड बाय 2, 2 मान था
30 सेकंड हो गया। अब इस टर्म को उधर लेके जाएंगे तो 45 डिग्री जो था उसमें से माइनस हो जाएगी, ये वाली टर्म 30 डिग्री उसमें से माइनस हो जाएगा, इधर बच जाएगा डेल्टा अपॉन 2। ठीक है, जब 45 से 30 डिग्री माइनस करेंगे तो बन जाएगा 50 डिग्री, 50 डिग्री माइनस करके अगर 2 को उधर लेके जाएंगे डायरेक्टली जो है वो 30 डिग्री वैल्यू आ जाएगी और इधर बच चुका है डेल्टा। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन था वो आ चुका है 30 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही जो वीडियोज़ हैं वो मैं रेगुलरली डालता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।